युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का काम भारत सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार ने वायुसेना को भी कमान सौंप दी है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है, जिसके बाद ऑपरेशन गंगा को नई रफ्तार मिल गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ला रहे ऑपरेशन गंगा के तहत 200 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का पहला C-17 ग्लोब मास्टर विमान आज सुबह हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का स्वागत किया। इस विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है वो बिल्कुल सफल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश आभारी है कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह से सबकी चिंता की है। प्रभु उनको शतायु बनाए। मैं इतना ही आपसे कहता हूँ कि हर चीज की बंदोबस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर चर्चा की, तो वहीं रूस ने भी भारतीयों की सुरक्षित निकासी का आश्वासन दिया। इस बीच विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई हैं। वहीं अगले 24 घंटों के लिए 18 फ्लाइटों को यूक्रेन भेजा जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को लेकर अगले 24 घंटे में 18 फ्लाइट भारत आ रही है। वहीं एयरफोर्स के 3 और C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारतीय छात्रों को लाने के लिए रवाना हो चुका है। ये विमान रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर के जरिए भारतीय छात्रों को वापस लाएंगी। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी उनको सीमा पार करवाना। तीसरी जिम्मेदारी थी सीमा पार करने के बाद उनको अपने राजधानी में लाना, चाहे वो हंगरी में बुडापेस्ट हो, रोमानिया में बुखारेस्ट हो, स्लोवाकिया में हो, चाहे पोलैंड में हो। और चौथी जिम्मेदारी थी कि उनको वहाँ से फिर फ्लाइट पे हम लोग भिजवाएं। तो हमारा पूरी तरह से हमारा शासन, हमारी सरकार इस कर्तव्य पर डटी हुई थी। केंद्र सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के बॉर्डर वाले देशों में भेजा है ताकि छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हो सके। ये मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर वाले देशों से छात्रों को एयरलिफ्ट करा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा पर निगरानी कर रहे हैं और लगातार यूक्रेन के हालातों की जानकारी भी ले रहे हैं। यूक्रेन से आए छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात भी की। बता दें कि यूक्रेन के कीव और खारकीव में लगातार रूसी बमबारी के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को बंकरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 10 मार्च तक सभी भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी लाने का काम कर लेगी।